Thank you, Mrinalini, and thank you all for patience. Would need 5 minutes more. Thank you, the experts that we have on the dais. We have 3 from IIMC on the dais, and we have 1 from Vivekananda Institute of Professional Studies. Wanted to share an anecdote. About 2 years back, we had, 3 years back, we had the IIMC DG here, K.J. Suresh, and he was accompanied by Ashok Tandon, who is Prasar Bharati ke chairman hai. Wo dono aaye the aur pure campus ko ghume aur ghumne ke baad yahan par aaye, sabne bhashan roshan ho gaya aur bhashan ke ant mein sabse jo ki कद्दावर उसमें अशोक टंडन थे, उन्होंने भाषण दिया. उन्होंने कहा कि अगर केजे सुरेश को बुरा ना लगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इंस्टीट्यूट IIMC से भी बेहतर है. और नेक्स्ट थिंग हमने जो किया कि वो क्लिपिंग को काट के रख ली है और अपने प्रमोशनल वीडियोस में अब हम उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं. And this is told by no less a person than who is today, जो हमारा public broadcaster है, उसके मतलब खुदा है. खैर खुदा तो कोई और है, but उसके ठीक है, high priest है. तो journalism मेरे ख्याल से जो एक बात जो you know you have to be a good human being. और I don't know if Vartika recalls during Kargil war we had gone to cover the demise of फॉर एयरफोर्स पायलट्स इन सहारनपुर. हाँ, आप भी गई थी, मैं भी गया था. तो 4 पायलट्स इंडियन एयरफोर्स के, उनको गन डाउन किया था पाकिस्तानियों ने और उनकी दे बिलोंग टू द सहारनपुर, सरसावा एयरफील्ड है, वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है, वहाँ पे उनका क्रियाक्रम होना था. और जो फोटोग्राफर वगैरह थे उसका एक थल, उसका एक छोटा सा बच्चा था कि यू नो प्ले विथ योर फादर्स कैप, डू दिस डू दैट. तो ये सब चीज़ें आप सब देखते हैं. अभी भी 3 शहादत हुई हैं, उसमें फ़ोटो यही कि उनके उसके बच्चे ने उसे विदाई दी उसके. तो अब ये बड़ा कॉमन सी चीज़ हो गई है और ये करवाए भी जाते हैं क्योंकि इमोशंस कोई सेट पैटर्न में नहीं चलते. इमोशंस के कई तरीके होते और आपके पास वो आँखें होनी चाहिए कि वो इमोशंस को आप कैप्चर कर सकें. तो उस एपिसोड का मुझे जो एक वाक्य याद आता है जो मैं अपने कॉपी में लिखा था, एंड माय गुरु, माय एडिटर, माय मेंटोर लेट चंदन मित्रा कॉल्ड मी फॉर दैट कॉपी एंड सेड दैट आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. वो एक बाहर एक खेत था जिसमें धान का खेत कट चुका था, बैरन फील्ड था जहाँ पर ये चिताएँ जलाई जा रही थी. पास में एक रेलवे का लाइन था and what I could see was that सारे villagers उमड़ करके वहाँ पे आ रहे थे और कोई ये गुलदस्ता या फूल के बड़े बड़े कुछ नहीं, जिसके हाथ में जो भी था और ख़ास करके उनके पास वो पुआल, धान का पुआल था, वही लेकर के वो आ रहे थे. एंड they were putting, that was their way of reverence to the dead, to our martyrs. And the best part of it was that there was a locomotive going by, एक रेल का इंजन जा रहा था. That locomotive paused for a minute and blew the sirens. That was his respect for the dead, for our soldiers. And this is what my editor said, that nobody else could capture this, that you could capture this. This is what makes a good copy. कि जो देखा है, जो देख रहे हैं, उसी को repeat करना है, नहीं उससे आगे निकल करके कुछ करना है. और शब्दों की बात आई, शब्दों के खेल की बात आई, उसमें भी एक माई प्रॉब्लम इज दैट आई स्टार्ट रिकॉलिंग माई टाइम्स इन दिस थिंग विच आई ट्राई टू रिलेट टू यू पीपल. बांग्लादेश वॉज टू बी अ बिग एनिमी कंट्री टिल अबाउट 15 ईयर्स बैक. अटल जी प्रधानमंत्री थे 98-99 में और हमारे 4 सोल्जर्स को मार दिया और उनकी लाश जो भेजी वो जैसे भैंस डेड बफालोस को भेजते, बांस पे हाथ पैर बांध करके भेज दिया. दैट पिक्चर केम एंड there were a lot of unrest in the country. Country wanted us to go to war and Atalji being a pacifist was resisting it. My newspaper, my editor was very close to Atalji and my newspaper was also ideologically close to Atalji's party.
But here we had to contest the government stand. And how did we do it? शब्दों का खेल. तो वो फोटो लगाया और उस पर हेडलाइन दिया, बेंड डोंट जेनुफ्लेक्ट. जेनुफ्लेक्टिंग इज वेन यू गो टू ए चर्च एंड यू आर ऑन योर नीज प्रेइंग टू द लॉर्ड. सो बेंड फॉर पीस यू बेंड बट डोंट जेनुफ्लेक्ट. एंड इंडिया देयर आफ्टर वी डिड नॉट गो टू वॉर, बट आई थिंक इट हैज बीन इंश्योर्ड कि खालिदा जिया सरकार वहां दोबारा बांग्लादेश में आई नहीं उसके बाद. सो दैट इज वॉट इज द ब्यूटी ऑफ द आर्ट ऑफ जर्नलिज्म. एंड दिस स्किल्स हैव टू बी हॉर्न बाई यू एंड नोबडी एल्स. आई थिंक वी हैव यू नो होल लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन कवर्ड. और मेरे ख्याल से जो एक बात बार बार कही गई कि गूगल पे ज्यादा डिपेंड मत कीजिए, देखिए गूगल बहुत परेशान कर देगा आपको. परसों एक सज्जन यहाँ आ रहे थे, उन्होंने डाला विवेकानंद कॉलेज और वो पहुँच गए जमुनापार में विवेकानंद महिला कॉलेज. तो जब यहाँ आना हो तो पूरी तरह से डालिए विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज. तो गूगल आपको यू नो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग गूगल. और इसमें एक जो अखबार का एक वाक्य है, एक डीपी यादव सेंट्रल मिनिस्टर हुए देवगौड़ा गवर्नमेंट में या मेरे ख्याल उसके बाद किसी और सरकार में, तो ही वांटेड यू नो मिनिस्टर्स डू पुश देयर प्रेस रिलीजेस एंड फोटो की छपवा दीजिए कुछ. तो वो छपा तो हमने डेस्क को कहा कि इनके रिलीज के साथ इनका फोटो भी लगा देना. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग डीपी यादव स्टोरी केम विथ हिज फोटो. बट दिस डीपी यादव जो मिनिस्टर थे वो देवेंद्र प्रसाद यादव थे, और ये थे धर्मपाल यादव जो बहुत बड़े माफिया डॉन थे गाजियाबाद के वेस्टर्न यूपी के, जिनके बेटे हैं विकास यादव एंड अदर्स जो आर इन जेल इन दैट कटारा केस. एंड दिस तो मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ. देवेंद्र यादव ने चिट्ठी लिखी, कहा कि देखिए ये आपसे गलती हुई है, आप हमारा फोटो ये आप ये कर दीजिए. अब कई बार क्या होता है, जो शिफ्ट चल रही है शिफ्ट चेंज हो जाता है. तो अगला जो आया डेस्क पे उसको कहा भाई पिछले ने ये गलती करी थी, आप उसे सुधार दीजिएगा. अब उसे रात को आया सुधारना था, एडिशन छोड़ने का टाइम था, उसने फिर गूगल दबाया और फिर धर्मपाल यादव की फोटो अगले दिन सुबह अखबार में. तो फिर देवेंद्र यादव ने चिट्ठी लिखी कि अब आप हमारी फोटो मत लगाइएगा. तो ये कह सकता कि ये गूगल आपके इसको कैसा बर्बाद कर सकता है ये आप नहीं जानते. इकोनॉमिक टाइम्स के एक हमारे बहुत अच्छे न्यूज एडिटर की नौकरी चली गई क्योंकि जो स्पेल चेक रात को चलाया उन्होंने 12 बजे, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, स्पेल चेक ने उनको वाजपेयी को वैम्पायर कर दिया. तो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी आपको कैसे बर्बाद कर सकती हैं, इन चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है. एंड दिस इज़ वॉट दैट दे हैव इंसिस्टेड ऑन. दैट इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम. एंड आई होप दैट यू नो एज यू गो आउट ऑफ हेयर यू डोंट लीव दिस थॉट्स बिहाइंड, यू कैरी देम विथ यू एंड मेक अस ऑल एज प्राउड एज Ridhima has made Amit Channa. Thank you so much.